हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेज़र कट जाली बताऊंगी जो पेंडेंट इयररिंग में यूज़ करते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इयररिंग्स और पेंडेंट में जाली यूज़ हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको सेम ट्रेस करके बताऊंगी। मैं यहाँ पे A4 साइज पेपर ले लेती हूँ। यहाँ पे मैं अपना जाली ये मैं ट्रेस करूँगी जो ये कट होगा। आपके पास स्केच हो अगर अपनी, या फिर नेट से आप ले सकते हो। मैं इस अभी इसीलिए लिया है कि आपको बता सकूँ कि आप कहाँ से जाली कैसे कट करोगे, कहाँ से जॉइंट होगा। तो ये जो पोर्शन है ये हम यहाँ तक बनाएंगे। ये आप देख रहे हो, ये शोल्डर हुआ है जो हैंगिंग पार्ट है। तो जो भी है मैं इसको इतना ही पोर्शन कट आउट कर देती हूँ। अभी मुझे ये सब बनाना है। तो सबसे पहले मैं हमेशा की तरह 3-point कर्व टूल ही लूँगी। पॉइंट है इसको mm में कन्वर्ट करूँगी। डॉकर्स में जाइए, प्रॉपर्टीज, यहाँ पे आप देख रहे हो mm में कन्वर्ट हो चुका है। मैं यहाँ पे रेड आउटलाइन ले लेती हूँ जिससे आपको दिखे। अभी आप देख रहे हो कि ये सेंटर और ये सेंटर मैच नहीं हो रहा है। मैं हाफ ही बनाऊंगी इसको, फिर हाफ फ्लिप कर दूंगी दूसरी साइड कॉपी। लगभग सेंटर में आ गया है, लॉक कर देती हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करके लॉक कर दीजिए। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्लिक करके मैं इसको ट्रेस कर रही हूँ। अभी मेरी थिकनेस 0.2 mm है जो हमें नहीं चाहिए, हमें हेयर लाइन में ही काम करना है। तो सबसे पहले आउटलाइन चूज करके इसको हेयरलाइन में कर लीजिए। याद रखिए आपके जो भी लाइंस होंगे वो दूसरे से कनेक्टेड होंगे, ये ऐसे नहीं होगा। तो कंबाइन करने के लिए कंट्रोल एल प्रेस करिए ये, और फिर दोनों नोड्स को जॉइन कर दीजिए। मैं 3-point कर्व टूल से बनाती हूँ। आप किसी भी टूल से इसको ट्रेस कर सकते हैं, फ्री हैंड टूल से भी, जिससे आपको इजी हो। मैंने यहाँ पे शॉर्टकट की जनरेट कर रखी है जिससे मैं 3 प्रेस करती हूँ तो मेरा 3-point कर्व टूल आ जाता है। अगर आपको शॉर्टकट की जनरेट करनी है तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। आप इससे आपका काम भी फास्ट होता है, आपको वहाँ से जाकर टूल पिक नहीं करना पड़ता। अभी इसको मुझे कर्व करना है, ये ऑलरेडी कर्व है। अगर मैं तीनों नोट्स को सेलेक्ट करती हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ एक नोट्स को हटाना है। कोई भी पोर्शन शार्प मत रखना तो आप उसको चुभ जाए या लगे।
मैं इसको यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे सर्कल लिया है। अभी मैं इसको कंट्रोल क्यू प्रेस करके कन्वर्ट टू कर्व करूँगी, जिससे मैं इसको एडिट कर सकती हूँ। यहाँ पे एक नोट पे क्लिक करके इसे ब्रेक कर्व करिए। अभी मुझे यहाँ तक चाहिए तो डबल नोट प्रेस करके, डबल क्लिक करके नोट क्रिएट करिए। ये आप देख रहे हो, ये जाली हाथ से कटी हुई है, तो इसमें फिनिशिंग नहीं है। आप इतनी थिकनेस 0.5 mm का डिफरेंस रखिए अपनी दो लाइनों के बीच, जिससे ये प्रॉपर कटे। इस पार्ट में यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ से लाइन कट गई है, तो मैं यहाँ से ट्रेस करूँगी दूसरे पार्ट पे। अभी आप एक बार चेक कर लो कि सारे लाइन जॉइंट्स हैं कि नहीं। अब इसको फ्लिप करती हूँ। कंट्रोल एल, हमारा सिर्फ ये मिडिल पार्ट बचा है। मैं इसे अनलॉक कर देती हूँ। अभी आप देख रहे हैं हमारी ट्रेसिंग कंप्लीट है। कंबाइन कर देती हूँ। ये आप देख रहे हो,
आपका ट्रेसिंग कंप्लीट हो गया है। इकट होने के बाद कुछ ऐसा लगेगा। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मैं इस फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आप इसे डाउनलोड करके और कट कर सकते हो। अगर आपने कट किया तो प्लीज़ उसकी पिक्चर क्लिक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए या फिर मुझे ईमेल करिए। थैंक यू।